उन्होंने 146 रुपए बढ़ा देने क्योंकि वहाँ तो स्मृति ईरानी सड़कों पर बैठ के सिलेंडर के हंगामे करते हैं। सिलेंडर को लेकर अगर 4 रुपए भी बढ़ जाते थे 144 रुपए बढ़ा देना बहुत बड़ी बात है। क्या चाहती है केंद्र सरकार की महिलाएं वापस गैस पे छोड़कर चूल्हे बनाना शुरू कर दे, गोबर पे थापना शुरू कर दी? किस तरह का नियम कानून है, क्यों उन्नति करती जा रही है, क्यों देश की जनता को परेशान कर रही है, उन्हें समझ नहीं आ रहा। सिर्फ अपने हाथ से बौखलाए हुए लोग दी थी और अब जैसे रिजल्ट आउट हुआ तो उन्होंने एकदम दाम बढ़ा दिए। क्या करें महिलाएं, गैस छोड़ दें, चूल्हा बच्चों की वैसे बेरोजगारी से त्रस्त है। और इसमें 450 का कांग्रेस के जमाने में सिलेंडर था, अब इन्होंने धीरे धीरे 725 किया, 725 के बाद अब इन्होंने 870 का कर दिया। अब बताइए इतनी महंगाई से कितने महीने परेशान है। इसलिए हम चाहते हैं ये प्रति वापस ली जाए बढ़ोतरी। 2014 2 रुपया भी फंस जाता था, 50 पैसे भी फंस जाता था। तो जो सरकार वर्तमान में है वह प्रदर्शन करती थी पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक, लेकिन आज आप देखिए जैसे ही दिल्ली का चुनाव संपन्न हुआ उसके रिजल्ट्स आए तो जरा भी पेट नहीं किया। अदानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए आम जनता की जेबों पर डकैती डाली जा रही है। 140 रुपया आगरा में सिलेंडर बढ़ा है और कई जगह तो 150 से भी ज्यादा सिलेंडर बढ़ा है। आप बताइए कि जनता और जो जनवरी में जो हमारी महंगाई की दर आई है वो बढ़कर आई है ना, और जो दिसंबर में थी उससे जनवरी की आगे बढ़ के आई है। आप सोचिए आम जनता के जेब पर इस प्रकार से डकैती डाली जा रही है, उससे ये संभव नहीं लगता है कि जनता ट्राई ट्राई नहीं करे। किस तरीके से आप अपना विरोध जता रहे हैं? देखिए जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी मोदी की सरकार आई है, इस सरकार ने 2 काम बड़ी लगन से किए हैं। एक तो महंगाई को दिन हर साल बढ़ाया है। दूसरा, इस सरकार ने लोगों पर टैक्स की इतनी दरें बढ़ाई है। सरकार अपनी GDP को अभी तक काबू नहीं कर पाई है। 1,76,000 करोड़ रुपया इन्होंने RBI से लेकर RBI को खोखला कर दिया। इस सरकार ने तमाम तरीके के ऐसे टैक्स ला दिए हैं। देश के हालात ऐसे हो गए हैं कि बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है। माननीय उच्च न्यायालय ने आज भी कहा है कि बेरोजगारी बढ़ेगी तो अपराध भी बढ़ेगा। इस देश की जो संस्था है, LIC, एयर इंडिया, BCCL, तमाम बड़ी बड़ी संस्थाओं को बेचने का काम मोदी सरकार कर रही है। इस सरकार ने एयर इंडिया का 100% भागीदारी देने की बात मोदी जी ने जिस दिन कही उसी दिन भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद सुब्रमण्यम साहबी ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये एंटी नेशनल कहते हैं, मतलब देश विरोधी कार्य है। तो मोदी जी देश विरोधी कार्य भी कर रहे हैं। वो अपनी सरकार को बचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए आज हमने कांग्रेस जनों ने निर्णय लिया है, जब तक मूल वृद्धि वापस नहीं होगी तब तक हम सड़कों पर उतरेंगे। आज ये हमारा पहला चरण है, आगे से निर्देश मिलेगा, आगे संघर्ष और करेंगे। अरे मोदी तेरी साई, मोदी तेरी ताना साई, गैस सिलेंडर से रेट वापस लो, फूल बंदी वापस लो, मोदी तेरी ताना साई, वापस लो, वापस लो, बोलो, अरे बोलो, गैस पे भरे हुए मूल्य वापस लो, वापस लो, वापस लो, हर राज जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।